कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अर्थी सजने की उम्र में दूल्हे बनने का शौक चढ़ा है क्या? हमको माफ कर दीजिए साहब, हमसे गलती हो गई। इस जन्म में अब कभी इस बारे में हम नहीं सोचेंगे। माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब। मुंह बंद कर वरना छह की छह गोलियां तेरे मुंह में डाल दूंगा मैं। जो अपनी इस खूबसूरती और भोली शक्ल का नाजायज फायदा उठा रही। दीदी को दिल्ली ले जाने की तैयारी कीजिए, पैसे लेके मैं आती हूँ, कुछ नहीं होगा दीदी को। शादी का जाल बुनकर बूढ़े रईसों को फांसती हो और अपने साथियों के साथ उन्हें लूट लेती हो। लुटेरी तूने 30 लाख रुपए लिए मेरे, वापस कर, अपनी टोपी वापस कर। 20 लाख? हाँ साहब, ये रुपए मेरे, मुझे माफ कर दो, ये पैसे वापस दे दो। चल मुर्गा बन, मुर्गा बन। चाहे आप मुझे मुर्गा बना ले, गधा तो मैं हूँ, पर पैसे तो वापस। मैंने कहा मुर्गा बनो। ये पैसे ना तो तेरे हैं और ना इसके। इस देश की जनता 30 रुपए का आटा नहीं खरीद सकती, तो 30 लाख रुपए में दुल्हन खरीद रहा था। और तेरा भी किस्सा खत्म। इस खुली हवा में जितनी सांस लेनी हो ले ले, क्योंकि पता नहीं जेल जाने के बाद तुम्हें इस तरह का मौका फिर मिले या ना मिले। पता है साहब, बिल्लों की जिंदगी जेल के सलाम के सलाम ही कटी ही कटी, लेकिन आज नहीं, आज ना तो बिल्लों कहीं जाएगी और ना ही उसके हाथ से ये पैसे कहीं जाएंगे। बाबरी हो गई है तू, क्या करेगी इन पैसों का? जोड़े सिलाएगी, जेवर खरीदेगी या फिर अय्याशी में लुटाएगी इसे? किसी की जान बचाएगी, जान बचाएगी। जान बचाएगी। बिल्लो, तू खुद को भगवान समझती क्या जो किसी की जान बचाएगी? अरे पहले अपनी जान बचाने का सोच, और तेरी जान सिर्फ इंस्पेक्टर साहब बचा सकते हैं। जान के पैरों में इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, आपके गुनहगार आपके सामने। ये 30 लाख आज मेरी जिंदगी से बढ़कर है। मर जाऊं, मर जाऊं, ये पैसे नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी। एक तरफ खुशियों में डूबी है अयोध्या। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया। बस अब
हमें माफ कर दो, हम तो इसके चक्कर में न जाने क्या से क्या हो गए। देख रहे हैं ना कैसे जबान चला रही है। तब किसी के कहने पे हमने इसका साथ दिया था। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, हम सब गुनहगार हैं, ये इसका कोई कसूर नहीं है। चुप करो तुम लोग, बकवास बंद करो। तुम लोगों के चेहरे पर लिखा हुआ है कि कितने शातिर लोग हो तुम लोग। चलो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। चलो वरना गोली मार दूंगा मैं। चलो चलो राम सिंह, तो हम निर्दोष हैं। ले जाओ, जाओ एक लाइन में खड़े हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दो, हम गरीब आदमी हैं, हम निर्दोष हैं। अगर जबान खोली तो कलेजे में उतार दूंगा ये गोली। चलो चलो, और जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। क्यों घूर रही है इस ब्रीफकेस को? इसमें सिर्फ 30 लाख रुपए हैं। तुमने पुलिस को चकमा देकर इस तरह के रुपए बहुत कमाए होंगे, समझी ना? ये पैसे तेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये 30 लाख आज मेरी जिंदगी से बढ़कर, मर जाऊं मर जाऊं ये पैसे नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी। अच्छा तो चल मैं भी देखता हूँ कि पैसे कैसे लेती है तुम तो।